रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में मंगलवार को एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मासिक एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसपी क्राइम ने व्यापारियों को साइबर अपराध से बचने के लिए आवश्यक उपाय बताए। इसके अलावा व्यापारियों को सीसीटीवी लगवाने, दुकान पर गार्ड रखने आदि के लिए भी सलाह दी गई। इस दौरान उन्होंने मौजूद सभी व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए उनसे सुझाव मांगे और उन्हें आवश्यक सलाह भी दी गई। इस दौरान व्यापारियों से कहा गया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान में भी सहयोग दें। एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने व्यापारियों से कहा कि पुलिस व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से दिन रात काम कर रही है, लेकिन व्यापारियों को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इसलिए सभी से निवेदन है कि सभी व्यापारी अपने अपने दुकान गोदाम पर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार क्षेत्रों में गश्त करती है। इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी समस्याओं से एसपी क्राइम को अवगत कराया। एसपी क्राइम ने एक एक समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, व्यापार मंडल गोरखपुर की ये मासिक मीटिंग थी जो हर महीने हम लोग करते हैं। इसमें व्यापारी वर्ग की पुलिस से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद गोरखपुर की जनता के लिए और शहर के लिए जो भी बेहतर पुलिस व्यवस्था के सुझाव मिलते हैं उन सुझावों पर भी अमल करते हैं ताकि जनपद के लिए एक बेहतर पुलिसिंग दे सके। व्यापारियों की तरफ से जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण इस फोरम के माध्यम से किया जाता है और कोई उनका पेंडिंग इशू पहले से चल रहा होता है तो उसका निस्तारण संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से कराते हैं।